नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। RS एग्ज़ाम 2023 का सिलेबस RPSC की वेबसाइट पे जारी हो चुका है। आज हम RS प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2023 के सिलेबस को ब्रीफली देखेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की वेबसाइट पर प्रेस नोट जारी हुआ है 30 जून 2023 को, जिसके अंदर RS प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम एवं मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस जारी किया है। आप RPSC की वेबसाइट पे जाके इस वेबसाइट पर जो है डिटेल्ड सिलेबस जो है देख सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की स्कीम ब्रीफली इस तरीके से है। ये एग्ज़ाम एक पेपर होगा, जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस पे आधारित होगा। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैक्सिमम 200 नंबर के होंगे। ये एग्ज़ाम केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए स्टूडेंट्स को स्क्रीन करेगा, और जो इस एग्ज़ाम को पास करेंगे वही मेंस परीक्षा में अपीयर हो सकेंगे। इस पेपर का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो बेचलर्स डिग्री लेवल का रहेगा। इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मल्टी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपको 3 घंटे का ये पेपर है, तो एक क्वेश्चंस को वो 1.2 मिनट आपको लगभग मिलेगी, मीन्स 80 सेकेंड के अंदर एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ये पेपर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जिसके अंदर 1/3 मार्क्स हर गलत आंसर के लिए डिडक्ट किए जाएंगे। इसलिए पेपर को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है, और जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है। अन्यथा जो आप सही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी मार्क्स जो है ओवरऑल मेरिट के पर्पस से नेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से कम हो जाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में जो भी आप मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को, वो केवल मेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए काम में आएंगे। सिलेक्शन के लिए, मेरिट प्रिपरेशन के लिए ये नंबर काम में नहीं लिए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन की मेरिट मेन एग्ज़ाम के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे तैयार की जाएगी। संभवतः ये एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर के महीने में RPSC द्वारा कंडक्ट किया जा सकता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है वो मुख्यतः 11 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जो इस तरीके से है। पहला सेक्शन है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। सेकंड सेक्शन जो है वो इंडियन हिस्ट्री, जिसके अंदर एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न पीरियड अप टू 1964 तक लिया गया है। तीसरे सेक्शन में ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया है। चौथे सेक्शन में ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। पांचवे सेक्शन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस है। छठे सेक्शन के अंदर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान है। सातवें सेक्शन के अंदर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंडियन इकोनॉमी है, जिसके अंदर मुख्यतः बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट शामिल किया गया है। आठवां सेक्शन इकोनॉमी ऑफ राजस्थान से संबंधित है। नवें सेक्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगी, और दसवें सेक्शन के अंदर रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी रहेगी। ग्यारहवें सेक्शन के अंदर करंट अफेयर्स रहेगी। IITN पढ़ाई वाला आपको मुख्यतः रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो हम आगे की जो वीडियोज़ रहेंगे उसमें रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के प्रत्येक टॉपिक को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, और डिटेल के अंदर इसको वीडियो बनाएंगे, और जहाँ पे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट रहेगी वो भी जो है सभी विद्यार्थियों को सपोर्ट IITN पढ़ाई वाला की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि IITN पढ़ाई वाला मुख्यतः रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का वीडियोज आपको अवेलेबल करवाएगा, इसलिए हम ब्रीफली जो RS प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है उसको देख लेते हैं। इसमें 3 सेक्शन में सिलेबस डिवाइड किया गया है।
पहला है लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स इस तरीके की रहेगी, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट्स एंड कॉन्क्लूजन है, स्टेटमेंट एंड कोर्सेस ऑफ एक्शन है, एनालिटिकल रीजनिंग है। सेकंड सेक्शन मेंटल एबिलिटी से संबंधित है, जिसके अंदर नंबर, लेटर सीक्वेंसेस की बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेशंस आएगी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट रहेगा, लॉजिकल वेन डायग्राम रहेगा, मिरर और वाटर इमेजेस रहेगी, शेप्स एंड देयर सब सेक्शंस रहेंगे। तीसरा सेक्शन जो है बेसिक न्यूमेरेसी का है, जिसमें मुख्यतः मैथमेटिक्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, जो रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप है, परसेंटेज से संबंधित सवाल रहेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित सवाल रहेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स रहेगा, जिस तरीके से रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, डेटा एनालिसिस रहेगा, जिसमें टेबल्स, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट रहेंगे, मीन कंप्यूटेशन रहेगी, जिसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन रहेगा, मीडियन एंड मोड कंप्यूटेशन भी रहेगी। नेक्स्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सवाल भी पूछे जाएंगे और प्रोबेबिलिटी के सवाल भी पूछे जाएंगे। तो RS के एग्जाम से संबंधित इस सेक्शन को IITN पढ़ाई वाला डिटेल के अंदर आपको वीडियोज अवेलेबल करवाएगा, इसलिए आप IITN पढ़ाई वाला की वेबसाइट जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी नए वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है समय पर सभी वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकें।